अभय सूत्र ये परे जाने का सूत्र है। तो ये निर्भय या निर्भयता की स्थिति की ओर भी ले जाता है। अगर आप भौतिक आयाम से ज्यादा जुड़े न हों, तो आप में बहुत अधिक भय नहीं होगा, लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है। नमस्कारम सद्गुरु, क्या आप हमें अभय सूत्र के बारे में बता सकते हैं और ये हमें भय से कैसे बचाता है? योग के पूरे विज्ञान को सूत्र, अलग अलग तरह के सूत्रों के रूप में विस्तार किया गया है। Various kinds of sutras. Over 200 sutras makes the whole body of yogic knowledge. 200 से ज्यादा सूत्रों से यौगिक ज्ञान का पूरा संग्रह बनता है। इसलिए जब हम सूत्र कहते हैं, उस संदर्भ में वे सिर्फ मूलभूत के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम योग सूत्र कहते हैं, जब पतंजलि ने योग सूत्र को आत्मसात किया, सूत्र का अर्थ है एक धागा। उन्होंने सिर्फ धागा दिया, उन्होंने हर गुरु को माला बनाने की जिम्मेदारी, महारत और कला सौंप दी। सूत्र वही है, सूत्र वही है, धागा वही है, लेकिन आप उससे किस तरह की माला बनाते हैं वो अलग है। बिना धागे के कभी माला नहीं हो सकती, लेकिन धागे के लिए कभी कोई माला नहीं पहनता। वे उन फूलों की माला पहनते हैं जो उसमें लगते हैं। आप उस पर फूल लगा सकते हैं, आप उस पर मोती लगा सकते हैं, आप उस पर सीप लगा सकते हैं, आप हीरे लगा सकते हैं, लेकिन धागे के बिना माला नहीं होती। पर आप कभी भी धागा पहनने के लिए माला नहीं पहनते हैं। धागा जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमने धागे का उपयोग करने के कई और तरीके ढूंढे। आपने मंगलसूत्र के बारे में सुना है? आपने बांधा है? अच्छा, अगर यह ठीक से किया गया होता तो इसके पीछे सोच थी दो प्राणियों को एक के रूप में बांधना, यही सोच थी। आज यह सिर्फ एक रस्म बन गई है, वो अलग है। लेकिन अगर कोई है जो यह जानता है कि इसे कैसे करना है, तो आप दो डीएनए को इस तरह से मिला सकते हैं कि ऊर्जा के लिहाज से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जीवन में कई चीजें हो सकती हैं। आप बड़ी बड़ी बातों पर झगड़ सकते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ सकते हैं, लेकिन आप अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ऊर्जाएं एक खास तरीके से बंधी हुई हैं। आपको अपने आप को तोड़ना होगा। यही एक तरीका है जिससे आप बाहर आ सकते हैं। ये अपने कपड़े उतारने जैसा नहीं है, ये अपनी त्वचा को छीलने जैसा है। अब अभय सूत्र आपको बांधने के लिए नहीं बना है। दो प्रकार के सूत्र, दोनों को अभय सूत्र कहा जा रहा है। अभय सूत्र की परिभाषा देवी के सूत्र के साथ बेहतर जाती है, जो लाल रंग का होता है। जब आपको ध्यान लिंग से जुड़ी पंचभूत आराधना का सूत्र मिलता है, तो ये आध्यात्मिक आयाम को उभारने के लिए मूल रूप से आपके अस्तित्व के कुछ आयामों को बढ़ाने के लिए है।
फिर इसे अभय सूत्र क्यों कहा जा रहा है? आपको समझना चाहिए, भय का मतलब है डर। डर का आधार आपकी भौतिकता है। If you are not physical, would you have fear? अगर आप भौतिक नहीं हैं, तो क्या आपको भय होगा? नहीं। ये भौतिक की सीमा है जो भय का कारण बनती है। अगर आप बिल्कुल भी भौतिक नहीं हैं, तो आप किसी चीज से नहीं डरेंगे, है ना? तो उस संदर्भ में इसे अभय कहते हैं। लेकिन असल में ये परे जाने का सूत्र है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत सारे नामों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, आप परेशान हो जाएंगे, है ना? So this also leads to a state of nirbhaya. तो ये निर्भय या निर्भयता की स्थिति की ओर भी ले जाता है। हम इसे निर्भय सूत्र कह सकते हैं और इसे अभय सूत्र। ये एक सुरक्षा की तरह है। ये आपके अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम को बढ़ाने के लिए है, ताकि आप कम भौतिक हो जाएं। अगर आप इतने शारीरिक नहीं हैं, तो आप में बहुत अधिक भय नहीं होगा। लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है। चोरों से मुक्त होने के दो तरीके हैं। अगर आपको हमेशा डर लगता है कोई चोर आपके घर में आ सकता है और चोरी कर सकता है, तो एक तरीका है बाहर पहरा लगाना। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कुछ नहीं है और कोई भी नहीं आएगा। यहां तक कि अगर आप उसे बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो ये उनका तरीका है, कुछ नहीं है इसलिए कोई नहीं आएगा, इतना निडर। एक तरफ आप एक गार्ड लगाना चाहते हैं, आपके पास अभी भी सामान है, आप गार्ड रखना चाहते हैं। मैं देखता हूं, ऐसे बहुत सारे हाथ देखता हूं जिनमें दोनों हैं, ये अच्छा है। तो इसे कैसे उतारें? आप इसे कम से कम 40 दिनों तक रख सकते हैं। अगर आप साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा साबुन, तो ये ज्यादा समय तक चलेगा। अगर आप बहुत अधिक साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह कम से कम 40 दिनों तक जीवंत बना रहेगा। अगर आप सिर्फ ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ज्यादा समय तक चलेगा। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो यह कम से कम 40 दिनों तक चलेगा। यह है, अगर धागा अपनी दृढ़ता बनाए रखता है, तो वो ऊर्जा बनाए रखेगा। तो कहीं 40 से 60 दिनों के बीच अगर यह सिर्फ एक धागा बन गया है, तो धागा पहनकर घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसे उतार सकते हैं और इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहां यह आसानी से गल जाए। आमतौर पर परंपरा यह है कि किसी पौधे के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है और उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें पानी दिया जाता है और 3 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। ये किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए, ये जरूरी है। जो आपके शरीर के इतने करीब रहा है, आपके और देवी के बीच एक तरह का विवाह हुआ है, और आपके और ध्यान लिंग के बीच एक छोटे पैमाने का विवाह। जब ऐसा हो तो यह सबसे अच्छा है कि यह किसी और के हाथों में न पड़े। अगर वो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको इसे हमेशा गाड़ देना चाहिए। अगर आपके पास इसे गाड़ने की जगह नहीं है, तो आपको इसे जला देना चाहिए। आप इसे जला सकते हैं और राख लेकर इसे अपनी विशुद्धि से नीचे अपने शरीर पर लगा सकते हैं। ये एक सरल तरीका है, नहीं तो आप इसे गाड़ दें।